गवर्नर पंजाब ने वजीर आला उस्मान बुज़दार का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। पंजाब असम्बली का इजलास 2 अप्रैल को तलब कर लिया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर के हवाले से। गवर्नर पंजाब ने वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का इस्तीफा मंजूर कर लिया। पंजाब असम्बली का इजलास 2 अप्रैल को तलब कर लिया गया है। अहम खबर है जिसके मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं। गवर्नर पंजाब ने वजीर आला उस्मान बुज़दार का इस्तीफा मंजूर कर लिया। पंजाब असम्बली का इजलास 2 अप्रैल को तलब कर लिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं गवर्नर पंजाब ने वजीर आला उस्मान बुज़दार का इस्तीफा मंजूर कर लिया। पंजाब असम्बली का इजलास 2 अप्रैल को तलब कर लिया गया है। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ लाहौर शादाब रियाज ने। शादाब कहिएगा इस मुतालिक। जी बिल्कुल, गवर्नर पंजाब ने वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का इस्तीफा जो है वो मंजूर कर लिया है। ये इस्तीफा उस्मान बुज़दार की जानिब से वजीर आजम को दिया गया था, जिसके बाद कल जो है वजीर आजम हाउस से ये इस्तीफा गवर्नर हाउस अरसाल किया गया और आज गवर्नर पंजाब ने जो है वो उस्मान बुज़दार जो कि वजीर आला पंजाब है उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया है। और इसके अलावा पंजाब असम्बली का इजलास 2 अप्रैल को जो है वो तलब कर लिया गया है। 2 अप्रैल के इजलास में नए जो इलेक्शन होंगे नए वजीर आला के लिए उसका शेड्यूल जारी किया जाएगा। जी, जो आपने उस्मान बुज़दार का इस्तीफा मंजूर कर लिया। शादाब रियाज अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया।